Good morning, students. And after a long break, I'm here to teach you your SST. And this class belongs to class 8, the chapter 1. Because the name of the chapter is How, When, and Where. Okay, those simple three questions. Okay, if you study English, so there will be the question tags. WH question, H question, so different kinds of questions are there. Okay, how? Okay, kaise? When? Kab? Or where? Kahan pe? Okay, these are the main three questions. Okay, which we have to ask in the history. हिस्ट्री के अंदर आपको इतिहास के अंदर आपको जब तीन मेन क्वेश्चन है ये okay, कैसे हुआ है और कब हुआ है और कहां हुआ है. ओके, इफ यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द हिस्ट्री यू विल गेट आंसर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज हिस्ट्री. ओके, द वर्ड हिस्ट्री इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. Okay, the Greek word historia. Okay, what is the Greek word historia? Okay, from that the word derived to history. Okay, the historia means the writings about past. Okay, जो हमारा भूतकाल के बारे में बताते हैं. ओके, ये क्या होते हैं हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री द फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस. ओके, हेरोडोटस. ओके, लास्ट ईयर आई टीच यू दैट हेरोडोटस इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दैट. ओके, so according to Herodotus, the history is an unending dialogue between present and the past. समझ में नहीं आया क्या? अगर so मतलब क्या होता है, जो इतिहास होते हैं, इतिहास मतलब वो आप भूतकाल और वर्तमान काल का एक कॉन्वर्सेशन होता है. अगर there is a connection between present and the past. Okay, if you don't know that what happened in the history, then your life in the present is vain. समझ में आ गई? Okay, so same way Herodotus he said that. Okay, according to Herodotus, this is a definition of history. Okay, our history is an unending dialogue. Okay, इसमें unending मतलब क्या होता है? बिना अंत. बिना अंत से क्या होते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन चलता है. समझ में आ गई? ओके, सो द बेस ऑफ एवरीथिंग इज हिस्ट्री. द बेस ऑफ एवरीथिंग इज हिस्ट्री. समझ में आ गई? नाउ ओके, इफ देयर इज अ ट्री. ओके, ट्री हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, डिफरेंट पार्ट्स, लीव्स, ब्रांच, स्टेम्स, अगर फ्लावर, फ्रूट्स, अगर लीव्स, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द रूट. इफ देयर इज नो रूट देन द ट्री कैनॉट लिव. इज इट? अगर सेम वे अगर फॉर अस द हिस्ट्री इज द रूट. ओके, वी आर स्टैंडिंग अपॉन द हिस्ट्री. ओके, हियर इन आवर फर्स्ट चैप्टर. ओके, इट्स इंडियन हिस्ट्री. ओके, इंडिया के इतिहास के बारे में. ओके, इन द लास्ट ईयर वी स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री. ओके, आई थिंक यू ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 1857 रिवोल्ट्स एंड ऑल. बट हियर दिस चैप्टर इज बिगिन विद 1885. ओके, व्हाट हैपेंड इन 85? व्हाट हैपेंड इन 85? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज form. Okay, Indian National Congress. Okay, जो हमारे पास में बोलते हैं जो कांग्रेस होता है. Okay, INC कांग्रेस कब शुरुआत हो गया? 1885 को. Okay, from this
Okay, from this event, our book, our subject is begins. Okay, don't forget the beginning of the book is 1885. Okay, so the history is the study of past. The book says that. Okay, I just read it for you. History is the study of past. Studying history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows understanding our present. Okay, so from the past experience, okay, आपको जो आपका भूतकाल में जो हो चुका है इसके जो एक्सपीरियंस में आपने जो गलती किया है, मतलब क्या होता है अगर इंडिया के इतिहास में, ठीक है, जो भी राष्ट्र पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, व्हाट दे विल डू, दे ऑलवेज स्टडीड अबाउट हिस्ट्री. इन द हिस्ट्री दे नो दैट अगर व्हाट देयर प्रीवियस पीपल्स, ओके, देयर एंसेस्टर्स वर डन देयर मिस्टेक्स and then they will be changed and then they will make new plans for their victory, for their successness. Okay, samajh mein aa gayi? So if you want to know how and why the world is why way it is today, and we have to look to history for answers. Okay, abhi dekho, abhi ye sansar, okay, the world abhi kaise hai, ठीक है, आपको पता चलना है तो यू शुड स्टडी अबाउट हिस्ट्री. ओके, यू शुड स्टडी अबाउट हिस्ट्री. इफ यू आर नॉट स्टडीइंग हिस्ट्री, ओके, इफ यू आर नॉट स्टडीइंग हिस्ट्री प्रॉपरली, यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन दैट टाइम. ओके, सो मेनी गॉर्डन सेमी पॉइंट्स आर देयर, सेमी साइंस आर देयर, सो दैट इज द टर्निंग पॉइंट्स. Okay, a reformation, revolutions, rewards, wars, okay, freedoms, fightings, different kinds of things were there. Okay, so that is in the history. If you don't know about that one, okay, in this year we will study the about that one. Okay, so the in 14th century. In the last of 14th century or the beginning of 15th century. Okay, 15th century. Okay, so from that only the colonialism. Started. Okay, in the end of 14th century, Vasco da Gama. He was a Portuguese traveler who came to India. First he sat down in a Kerala, and the place name is Kapat in the Kozhikode district. So then he moved towards Goa. Okay, after his followers came to India as the traders, matlab kya, to vyapar karne ke liye. Okay, so they came to India as a traders, after came into India and they saw that India have lot of treasures. Okay, India have lot of treasures. Okay, then they change their mind settings and they become the rulers. Okay, that was our history. Okay, up to that 1857, the first revolt towards independence, okay, freedom. Okay, up to that Indians were scattered here and there, idhar udhar rehte the. Okay, so then after this first war only, Indian have a plan that to be together to fight against the British colonialism. Okay, so we were now traveling matters under bullet train. But in those times, in 15th century, they don't have trains, they don't have such a things. Okay, they only have ships. Okay, in ancient ships which are running by the wind. Okay, so now we have metro trains, metros, and high speed things are there. But in those time, there is nothing is there. That is all our developed vision. Okay, you know that in 1804, what happened? One of the historical moments were done there in that time. Okay, so train. Okay, train invented. Okay, so
नाम थे रिचर्ड ट्रेविसिन. ओके सो यू हैव टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट डेट्स. ओके इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी फॉर द हिस्ट्री ओनली. आपको एक ही तकलीफ है, आपको ये डेट्स आपको याद होना चाहिए. अगर डेट्स सर्व टू मेक पीरियड्स इन हिस्ट्री, दे एक्ट एज अ माइलस्टोन. They tell us about the events, position and different development which took place. Dates tell us a year and the time period which a king ruled particular kingdom. They became king and fought the particular battle. They also act landmark for the long term period and the British ruled India for long time. Okay, around 200 years the British were ruled in India in 15th century to the 19th century. Okay, but okay, that was the Dutch. Okay, in the 17th century only they came to India. Okay, so around 200 years they were ruled India. Okay, okay, so somewhere the colonial timeline was started in 1818. Okay, सो कॉलोनियल मतलब क्या होता है, जो भी ब्रिटिश किंग और क्यूर इसके नीचे जो भी सेना है वो दूसरा देश को पकड़ के वो उनका कॉलोनी बनते थे. जो कॉलोनी मतलब क्या होता है, हमारे जो क्या होता है दास इज स्लेव्स. अगर उनका पास जो भी है ये लुटाते हैं, लेके जाते हैं. ठीक है, देयर इज नो वन टू आस्क अ क्वेश्चन टू देम, देयर इज नो वन देयर टू स्टैंड ऑपोजिट देम. Okay, they don't have any fear. Those days were impact the past with present. We talk about the progress and development today. We say we have achieved many things. We say on these particular years we invented on that account. Okay, so and अगर हम जैसे जैसे बोलते हैं कि हम बहुत चीज हमने क्या किया, लेके आया है, मैंने ये किया वो किया, but there is a base in the history, you know that what was the reason in 1857 first revolt. 1857 first revolt, what happens, the last couple of years the British army or the British people were persecuted our Indian sepoys. So the Indian sepoys were planned to be the last couple of years, matlab one day or 2 days or 1 year, 2 years. Okay, it's not happened, it was not happened. Okay, the couple of years, lots of years took. Okay, so it have a base of in history. Okay, so here in your book, okay, the timeline started in 1885. 1885 Indian National Congress launched in Mumbai with the aim of winning political rights for Indians. Okay, the INC, the aim of INC is winning of Indian are winning of political rights. Rights क्या करना है, अगर winning of political rights, political जो भी rights होगा तो अवकाश होता है, political जो नियम उनको क्या होते हैं संरक्षण देते हैं, वो क्या करना है, वो मिलने के लिए आईएनसी स्टार्ट किया है. एंड नाउ 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल. And formation of
एमएल, एमएल मतलब क्या होता है, मुस्लिम लीग। ओके सो बंगाल पार्टीशन, ओके देन 1914 टू 18 ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू द वर्ल्ड वॉर वन। अगर 1914 में क्या हो गया, 1914 टू 18 में अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो चुका है, जो इंडियन इंडियंस वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट वॉर, बट द इंडियन सोल्जर्स वर कंपल्सरी टू टेकन बाय द ब्रिटिश पीपल टुवर्ड्स द बैटलफील्ड। ओके दे टेकन बाय कंपल्सरी इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न ओके साउथ अफ्रीका से, गांधी जी वापस आ गए। ठीक है 1999 ब्रिटिश स्पीच इंट्रोड्यूस टू राउंडअप एक्ट, इंक्लूडिंग सर्व कार्ब सिविल एक्ट, इंडियन प्रोटेस्ट ओके जालियनवाला बाग। आपको पता है जालियनवाला बाग वाज द हिस्टोरिकल इवेंट व्हिच वाज वेरी सैड, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन अ वन रिवोल्ट। 21 एंड 22 गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग क्या होते हैं, जो भी नियम बनाते हैं और उनको कोई जो भी आइडिया होता है, जो भी प्लानिंग होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडियंस वेयर नॉट कॉर्पोरेट विद देम, दैट वाज द ही वांट फाइट अगेंस्ट देम, ही वांट टू कैरी स्वॉर्ड, दे गांधी जी डोंट लाइक टू shed the blood, so he made a movement that civil disobedience movement. 1924 Malfa riots between Hindus and Muslims. Malfa riots मतलब क्या होता है, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हो चुका है। 1927 the British government appointed Simon Commission to recommend political reform in India. जो राजनीति के वजह से political reforms करना है, इसके लिए किसको अपॉइंट किया है, साइमन नाम का एक आदमी थे और हेड थे, वो इसके नीचे कमीशन चालू किया है। 1930 गांधी लीड्स द साल्ट सत्याग्रह, हम लोग बोलते हैं डंडी मार्च। अगर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू द गांधी आयरन पैक्ट, लोग पता है इंडियन फ्रीडम के बीच में अगर तीन चार क्या होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका है। अगर एक साइड में क्या होता है ब्रिटिश रूलर, दूसरे साइड में इंडियन रिप्रेजेंटेट, अगर दे सिट एंड दे टॉक एंड गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद डॉक्टर अंबेडकर। 1932 में अंबेडकर के साथ में चर्चा हो चुका है। 35 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास बाय द ब्रिटिश given Indian political rights in provincial level, okay? Indians को political rights लेने के लिए 1955 में और आ चुका है। 1935 provincial elections, most provinces elect Congress, same election Muslim League, okay? जो होते हैं क्या होते हैं, जो local area में election करने के लिए, जो election में कई जगह पे Congress आ गई और कई जगह पे क्या हो गया, Muslim League आ गई। 1939 outbreak of World War II 1939 में चालू हो चुका है। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइंस हैंड विद द एक्सिस पावर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगर जो एक्सिस पावर थे ओके द सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी पावर थे ब्रिटिश के ऑपोजिट पावर थे, जो उनको साथ कौन गया, सुभाष चंद्र बोस गया, क्योंकि ब्रिटिश से लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़कर गया। ओके 42 द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंस सर स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन टू नेगोशिएट इंडिया पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर, गांधी मीट्स क्रिप्स। ओके इन 42 अगस्त द कांग्रेस लीडर्स मीट द बॉम्बे एज द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉर व्हेन इट वाज हैपन 1942, 1945 World War end, Second World War end, and 1946 Gandhi Jinnah talks breakdown. Okay, 47 British Congress Muslim League were to partition and independence. Okay, Congress and Muslim League asked about the partition. August 15, India got an independence.
selection date. Okay, these are the selective days. Okay, next topic is periodization of history. Periodization of history. Periodization is the process or study of categorizing the past into discrete, quantified, named block of time. Okay, जो ब्लॉक बनके आपको क्या करना है, अगर इवेंट और ईयर के अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. अगर नेक्स्ट द एक्शन द हिस्ट्री कंटिन्यूस एंड द ऑल सिस्टम ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर लेस आर्बिट्ररी. There are significant sources of study of period of event by studying different historical events during the period can be formed. Okay, so अलग अलग माध्यम से आप लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं. आप लोग को पता है कि जैसे कोई पुराना जो बिल्डिंग है, कॉइन से जो भी बर्तन पॉट्स, okay, from that only the history, sorry. The historical things will be revealed. And maybe in those time we don't have many books writers. So when the actual history is now till now is it in our oral. And हम लोग क्या करते हैं मुंह पे क्या करते थे हमारा generation to generation change करते थे. ठीक है. So colonization. Okay, it's a process by which central system of power dominates the surrounding land. It's a एंड इट्स कंपोनेंट. मतलब क्या होता है, जो वहां पे एक पावर होते हैं, जैसे आप लोग लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है, मगधा वाज द पावर इन बीसी 300. अगर सो व्हाट हैपेंड, जो भी पावर होते हैं, पावर उनका आसपास में जो भी देश है क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उसके कॉलोनी बनते हैं. कॉलोनी बनने के बाद वहां का लोग लेके जा सकते, वो कुछ भी कर सकते, तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है. ठीक है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड. ओके, द रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन द रोम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम. द रिकॉर्ड वर क्रिएटेड विद द गॉड टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर टू द ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स मच एज पॉसिबल एज क्लैरिफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स. ओके, सो अब उनको क्या, कैसे हमको पता चलता है उनका हिस्ट्री में. ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो उनका जो हिस्टोरिकल है उनको रिटर्न करके उनका रिकॉर्ड्स रूम में रखते थे. मतलब क्या होते हैं, उनको पता भी उनको पता चलना थे कि कब क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है. समझ में आ गए. द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड अ इंपॉर्टेंट ऑफ हिस्ट्री इन द पीरियड द ब्रिटिश रूल बिलीव्ड दैट एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटर्न. ओके, उनका एक ही नियम थे. ओके, जो भी है और क्लियर लिखे क्या करना है थे वहां पे कीपर दे, स्टोर कीपर दे, उनका पास देना थे. ठीक है. सो दे स्टार्टेड इन 15th सेंचुरी एंड दे एंड अप विद 1947. ओके, दैट इज द टाइमलाइन ऑफ अवर चैप्टर. ओके, देन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए nice day.